रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा अपनी पत्नी के साथ भगवान के दर पर माथा टेके। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य विषय पर बात की संवाददाता चंदन ने। जगन्नाथ के पूजा अर्चना को लेकर राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। इसी बीच रांची के एसएसपी और उनके धर्मपत्नी पूजा अर्चना करने जगन्नाथपुर पहुंचे हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि सुरक्षात्मक क्या कुछ पहल किए गए। सर सर, सबसे पहले तो आज के दिन को लेकर शुभकामनाएं आपको भी। आपको भी देखिए क्या था कि पूजा अर्चना करने सर पहुंचे हैं, क्या कुछ कामना किए? ये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। सर्वप्रथम तो भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा माता को नमस्कार। कामना ये है कि पूरा रांची जिला और पूरा जगन्नाथ अपराध मुक्त हो, आदमी आनंदपूर्वक जीवन जिए, सबका भला हो और बाकी कुछ व्यक्तिगत कामनाएं हैं जिसे बताएंगे। पहले मैम से ही बात करेंगे, फिर आपके पास आएंगे सुरक्षात्मक बातचीत के लिए। मैम बताएंगे क्या कुछ मांगा आपने भी भगवान जगन्नाथ से? जैसा कि भगवान के नाम से ही स्पष्ट है कि जगत के नाथ हैं, तो उनसे क्या मांगना है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। फिर भी यही कामना है कि जैसे आज रथ यात्रा का एक विशेष महत्व भी है कि भगवान को भी मनुष्य का सहारा लेना पड़ता है चलने के लिए, तो इसी तरह से मनुष्य अपने ऊपर भगवान को ले करके चलता है। तो ये सभी मनुष्यों के मन में ईश्वर का निवास हो, सब लोग एक दूसरे को प्यार से देखें, सद्भाव से देखें, सुख शांति से रहें, यही कामना है। जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ है, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? अपील यही है कि अपना पर्सनल पूजा करते समय दूसरे का भी ध्यान रखें, और मतलब कि हर व्यक्ति अगर दूसरे का ध्यान रखने लगेगा तो सबकी सबके लिए आसानी हो जाएगी। तो यही अपील है कि सब एक दूसरे के साथ रहें, दूसरे का ध्यान रखते हुए चलें। सर सुरक्षा की बात करें तो क्योंकि काफ़ी संख्या में जनसैलाब, श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रही है, क्या कुछ उपाय किए गए? देखिए, जो क्राउड कंट्रोल है उसकी 5 लेयर में व्यवस्था है। एक मैंने कहा कि जो मंदिर प्रांगण है वहाँ पर जो है महिला और पुरुष की अलग पंक्तियाँ हैं, वहाँ पर लोग आसानी से जो है मंदिर में प्रवेश करके बाहर निकल पाएँ, कोई असुविधा ना हो। दूसरा मेला क्षेत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मेला में बहुत सारी दुकान, बच्चे बूढ़े आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए डिप्लॉयमेंट किया गया है। 5 वॉच टावर बने हैं जहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, सिविल में पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। हम लोगों ने 9 गश्ती रखी है जो पेरीमीटर पेट्रोलिंग कर रही है, और इसके अतिरिक्त ड्रॉप गेट्स 14 जगह पर बनाए गए हैं ताकि जो है ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। तो हर लेयर पे व्यवस्था है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं। सर कल ऐसे में विधानसभा का सत्र भी है और इसी रास्ते से अगर गुजरते हैं क्या कुछ वैकल्पिक रास्ता विधानसभा सत्र के लिए रखा गया है? इस रास्ते का हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग के पास जो है हाईकोर्ट वाला रास्ता है और भी रास्ते हैं, हम लोग इस रास्ते का उपयोग जो है वो कल के सत्र के लिए नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग व्यवस्था की जा रही है। उससे कोई असुविधा न तो श्रद्धालुओं को होगी और न महानुभावों को होगी। धन्यवाद सर। तो ये थे रांची के एसएसपी। लगातार हम आपको बता दें कि रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी मंदिर परिसर में उमड़ रही है। सहयोगी विक्की के साथ में चंदन भट्टाचार्य, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।